तो दोस्तों ये स्प्लिट एसी है और इसके देख रहे हैं आप वाटर जो है, पानी जो है अंदर की तरफ आ रहा है। ये आप यहाँ से इस जगह से देख रहे हैं तो पानी जो है अंदर की तरफ आ रहा है और वाटर लीकेज है। तो इसको हम खोलेंगे और खोल के देखेंगे कि प्रॉब्लम क्या है। तो ये हमने खोल दिया स्क्रूप, और इसके बाद जो है हम इसका जो है कैबिनेट निकालेंगे। तो ये आप देख रहे हैं, निकालेंगे इसको और खोलेंगे। तो पहले पकड़ेंगे आराम से और ये ऊपर से खींच लेंगे, आसानी से निकल जाएगा। तो आप देख रहे हैं निकल चुका है। और इसके बाद ये इसको दिखाएं तो ये हमारा जो है ये नीचे की तरफ आप देख रहे हैं, ये ड्रेन पाइप है और इसमें देख रहे हैं तो ये थोड़ा सा पानी है, यहाँ से मॉइस्चर बनाया है। लेकिन इसको हम पहले खोलेंगे, एवापरेटर को खोल के चेक करेंगे प्रॉब्लम कहाँ है। तो ये हम जो है खोल रहे हैं इसको, एवापरेटर को खोलेंगे। एक स्क्रू खुल गया और दूसरा स्क्रू जो है, दो स्क्रू लगा होता है तो दो दूसरा स्क्रू खोल रहे हैं। और ये भी स्क्रू जो है खुल चुका है। तो अभी हम इसको उठाएंगे और उठा कर देखेंगे इसकी जो है ड्रेन ट्रे ब्लॉक है क्या। ये पीछे की जो है बैक ड्रेन ट्रे है, तो आप देख रहे हैं ये बैक ड्रेन ट्रे, अगर ये ब्लॉक रहेगी तभी पानी ओवरफुल होके पानी जो है नीचे अंदर की साइड में आएगा। क्योंकि पूरा अंदर जो है मिट्टी जो है, अगर बैक ड्रेन जाम हो जाएगी तो प्योर फ्लो होके पानी जो है बाहर आने की तरह, अंदर आने बाहर जाने की जगह अंदर तरफ आने लगेगा पानी। तो ये आप देख रहे हैं नीचे, आप नीचे की तरफ देख रहे हैं तो नीचे ये पूरा जो है जहाँ पे ड्रेन ट्रे का पाइप जो है लगा हुआ है बाहर की तरफ ड्रेन जाने का, ये ऊपर की ड्रेन ट्रे है और ये नीचे की तरफ आता है पानी ऊपर से होते हुए, नीचे से यहाँ ब्लोअर के बुश के पास से नीचे निकल के इसमें आ जाता है और यहीं से सीधा नीचे चला जाता है बाहर की तरफ पानी। तो ये भी गंदा है और ब्लॉक हो चुका है इसका मेन होल जो है। तो ये दूसरा ड्रेन यहाँ पे होता है लेकिन ये तो ब्लॉक है और लेफ्ट साइड से निकाला हुआ है, और ये पीछे का बैक है ड्रेन ट्रे। तो आपको दिखा रहे हैं ये यहाँ पे, ये जो है हमने थोड़ा सा साफ़ किया है और इसके बाद हम इसको सर्विस करेंगे अच्छी तरह से जेट पंप से। सर्विस बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि अगर सर्विस आप करवाइएगा एसी का तो एसी जो है अच्छी तरह से कूलिंग भी करती है और साफ़ रहती है, फिर ये पानी वाटर लीकेज का प्रॉब्लम जल्दी नहीं आता है। क्योंकि ये आप देख रहे हैं एवापरेटर पूरा रस्टी है, पूरा ये इसमें लार जैसा लगा हुआ है और इसके वजह से एयर सक करना बहुत मुश्किल होता है और एयर फ्लो भी कम हो जाता है, तो इसलिए